इसको पूरा गोल कर दिए, इसको ढक देते हैं कुछ देर के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम पत्ता गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं। और दोस्तों अभी सारा वेजिटेबल हम काट लिए, कद्दूकस कर लिए। जो दोस्तों ज्योति अभी एक मोमोज भरी है, ये देखिए। अरे जिया, ये देखिए ज्योति का मोमोज, देखिए ज्योति मोमोज भर रही है। और दोस्तों अभी हम भरने जा रहे हैं। दोस्तों ये रहा हम लोगों का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, अभी इतना मोमोज बनाए हम लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हो रहा है रात का 8 बज रहा है तो... और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। तो दोस्तों रात के 8 बजे हम लोग ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, और रात को इसलिए क्योंकि दोस्तों हमेशा तो रात में ही होता है। और आज का ब्लॉग कुछ यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में हम लोग, मैंने मेहंदी लगा था दोस्तों, नहीं दिख रहा है, नहीं उखड़ा है, जल्दी ही धो दी थी। और दोस्तों आज का ब्लॉग काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं लोग घर पे वेज मोमोज, क्योंकि इसके पहले हम लोग कभी नहीं बनाए हैं। और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो तो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। फिलहाल हम वेज मोमोज बनाने के लिए कुछ कुछ सामान खरीद के लाए हैं जितना हो सका, तो अभी चलिए दिखाते हैं आप लोगों से। चल हम चलते हैं अपने किचन में। वो तो चाहिए, अरे बाप रे बाप, ये हमारे सर पे फोड़ेगी वेज मोमोज बनाने का। तो यहाँ पे ले आए दोस्तों मैदा, चलते हैं मैदा का डो बनाने। हाँ बेटा, राधे राधे बोल दीजिए। तो ये देखिए, इससे भी मम्मा में भी ले बनाए हुए। हाँ बेटा, मम्मा से अच्छा आपका बना है। हाँ, मम्मा का गंदा मामा का भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है। तो ये देखिए अभी इस जी भी बना ली। राधे राधे जय श्री कृष्णा बोल दीजिए। राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा, आपसे भी अच्छी होगी प्रणाम। दौड़ो 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 दौड़ो, पकड़ा 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 पकड़ा, मैं पकड़ लिया, मैं पकड़ लिया, पकड़ लिया। और दोस्तों अभी आटा का डो, आटा नहीं मैदा का डो लगा के रख दिए हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोगों से। और कुछ देर लगा के छोड़ जाता है ना, तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं परी के साथ। चलो मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं भाग रहा हूँ। पकड़ लिया, पकड़ लिया। और यहाँ पे लगाया दोस्तों मैदा का डो, आटा आ जा रहा है बार बार, ये देखिए मैं लगा के गया था, ज्योति अभी आके इसको। अभी पूरा सॉफ्ट हो गया है, मैं लगाया था ना तो पूरा हार्ड हो गया था, तो ज्योति आके इसको सॉफ्ट की, इसको मसल मसल के अभी पूरा सॉफ्ट हो गया है। इसको पूरा गोल कर दिए, इसको ढक देते हैं कुछ देर के लिए। और हम जा रहे हैं अभी वेजिटेबल रेडी करने, जो जो वेजिटेबल इसमें डलेगा। दोस्तों यहाँ पे अभी वेजिटेबल लेके आए हैं हम काटने के लिए, इसमें से कुछ कद्दूकस होगा, तो कद्दूकस करने के लिए ये हम लोग खरीदे थे, तो ये आज काम आ जाएगा, वैसे भी काम आ जाता है कुछ कुछ बनाने के लिए। और वेजिटेबल में देखिए हम लोग पत्ता गोभी, थोड़ा सा फूल गोभी, 3 हरा मिर्चा, और ये एक बड़ा साइज का प्याज, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, और इसमें अभी धनिया काटेंगे, तो कुछ तो कट जाएगा और कुछ को यहाँ कद्दूकस करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको रेडी करते हैं हम। तो देखिए परी यहाँ पे डांस कर रही है, अभी होमवर्क कर लिया अपना, होमवर्क करके मस्ती कर रही है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पत्ता गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं बारीकी से। ये भी दोस्तों हम लोग रेसिपी देखे लोग यूट्यूब पे, उसके बाद बना रहे हैं लोग, पता नहीं कैसा बनेगा। और दोस्तों अभी सारा वेजिटेबल हम काट लिए, कद्दूकस कर लिए, जो जिसको जो करना था वो कर लिए। हाँ बेटा कद्दूकस, मैं इसमें नहीं पड़ी दोस्तों, क्योंकि मेरे को कुछ भी आया नहीं। और इसमें ना पूरा कद्दूकस और काट के उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए, ताकि जो भी वेजिटेबल का पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए, सूख जाए। इसको ना कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा तेल और सुखा देंगे अच्छे से। बनाओ मुझे मोमोज, क्यों मुझे खाना है मोमोज। अच्छा बना रहे हैं बेटा। और ज्योति यहाँ पे सिलाई बिनाई कर रही है, अभी कुछ सिल रही है। तो चलिए जी इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, पानी छोड़ दे सारा वेजिटेबल।
गाइज ये देखिए इतना सारा पानी निकला है, इतु सा वेजिटेबल में कितना पानी निकला का ज्योति, अभी इसका पानी निकाले लगी ये देखिए। हाँ और ये अभी पूरा ड्राई हो गया है, पूरा ड्राई नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा हम ले चल रहे हैं कढ़ाई में, हल्का सा तेल डाल के ना इसको ड्राई कर दे रहे हैं। चलो यहाँ हम फिर से आ गए अपने किचन में और ज्योति जल्दी जल्दी में देखिए आके तुरंत कढ़ाई चढ़ा दी। आटा तैयार हो गया है, हो गया होगा तैयार। तो ज्योति अभी एक मोमोज भरी है ये देखिए। अरे जिया ये देखिए ज्योति का मोमोज, ये पहला ही पकने से पहला ही फट गया है, बहुत छोटा बन गया ना इसीलिए फट गया। और यहाँ रेडी हो गया मसाला, अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। हाँ देखो कितना सुंदर मोमोज बनाई है, थोड़ा ठंडा होने दो ज्योति। ये देखिए ज्योति मोमोज भर रही है, छुपा आगे भर। दो हम सिखाएं, सीख लेंगे ना तो उसको तब आप लोगों से सिखाएं। देखिए दूसरा मोमोज, अरे बाप रे ये तो लग रहा है कबूतर है। हम अभी देख लेंगे खाली मोबाइल में तो आ जाए हमरा। दो हम बनाते हैं, एक तो बेल के दो हम बनाए। और दोस्तों अभी हम भरने जा रहे हैं, देखो तनी नुकेंग से ना हो तरह से। ये तो दोस्तों रे डिजाइन बना होता नहीं, हाथे तो खाली दिखाओ तनी तो मोमोज दिखे ना कोई। ये देखो मोमोज, ये कौन मोमोज है? भेज मोमोज है, देखो ऐसा ही, अरे धीरे धीरे ऐसा ही ना आएगा। तो अभी देखिए जल्दी जल्दी का मोमोज कैसा बन रहा है, ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा मोमोज बना के अभी डाल दिया लोग फ्राई करने के लिए। एक तो फट जाएगा जो थी इधर वाला, पहले ही से फटा हुआ है। तेल कम डाल, तेल थोड़ा और रहता, थोड़ा सा मीडियम रखना गैस का फ्लेम। तो अभी आए थे परी के पास मोबाइल लेने के लिए, तो बोल रही है ना कि पापा मुझे भूत से बहुत डर लगता ना आपको। हाँ, इसलिए मैं उसका वीडियो देखती हूँ ताकि इसको डर ना लगे। आप लोग समझ गए, इसलिए उसका वीडियो देखती हूँ, उसमें मुझे डर नहीं लगता है। ऐसे भूत से डर लगता है और इसीलिए उसका भूतों का वीडियो देखती है ताकि भूत से डर ना लगे, आप लोग भी जान लीजिए। आज दोस्तों ये रहा हम लोगों का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, अभी इतना मोमोज बनाए हम लोग और ज्योति यहाँ पे बेल रही है, एक 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 दो बस रहने दो ज्योति, इतना ही है। हम हमको आ जाता है, देख लीजिए, देखिए ना इसका फर्स्ट टाइम में ज्योति कितना सुंदर डिजाइन बनाई है, सच में काबिले तारीफ है। ये देखिए काबिले तारीफ, ये बड़ा बड़ा जो दिख रहा है ना ये ज्योति ही बनाई है, जितना वैसा डिजाइन है उतना नहीं साफ सुथरा है। और बाकी अब ना आटा ना जो है थोड़ा नरम हो गया है। और बाकी ये छोटू सा मोटू सा हमने बनाया है, ये छोटू सा हमने बनाया है। और मटेरियल भी खत्म होने ही वाला है, हो गया। हम लोग ना दोस्तों बॉयल भी बनाने वाले थे क्या ज्योति, लेकिन बॉयल अब अभी नहीं बनाएंगे, फिर किसी दिन बनाएंगे, लोग यही करते करते थक गए लोग। दोस्तों फाइनली मोमोज आ गया हमारे हाथों में, ये देखिए प्लेट में मोमोज लगा हुआ है, कितना प्यारा दिख रहा है, कोई छोटू सा कोई मोटू सा कोई बड़ा सा कोई लंबा सा कोई टेढ़ा सा का जी, फर्स्ट टाइम बनाया लोग। दोस्तों कैसा बनाया आप लोग बताइएगा, जो सुंदर है वो हम ही बनाए। हाँ कभी, जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो हम बनाए। कभी हम मोमोज नहीं खाए हैं। अच्छा तो लो खा लो, आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए, हमारा और हमारी ज्योति का, हमारी ज्योति का थोड़ा सा मेहनत लगा हुआ है इसमें। आइए खा लीजिए गर्मा गर्म मोमोज, लो खाओ। मेरा परी बोल रही है ना कि मैंने कभी मोमोज नहीं खाए, लो तो बेटा है, खाओ मोमोज भी खा लो। चलिए दोस्तों फटाफट खाते हैं, चटनी नहीं बना पाए हम लोग का ज्योति, चटनी बनाने का टाइम नहीं बचा, बहुत लेट हो गया है,
परी को खाना ही खिलाना है, तो अभी ज्योति खाना लेके आई है परी का। जाओ बेटा खाना खा लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं परी को अभी उठाया और ले जा रहा हूँ मुँह हाथ धुलवाने। उसके बाद मेरा बेटा स्कूल ड्रेस पहनेगा, स्कूल जाएगा। राधे राधे बोल दीजिए बेटा जी। राधे राधे, प्रणाम। और अभी यहाँ पे परी के लिए मम्मा इसकी दूध रोटी ले आके दे दी है, नाश्ता हो जाएगा। और लंच बना रही है अभी ज्योति। चलो बेटा दोस्तों, परी को स्कूल छोड़ दिए। स्कूल छोड़ के आके अभी जा रहे हैं चिड़ियों को रोटी खिलाने। बड़ा ही सुकून मिलता है दोस्तों। और चलिए दिखाते हैं कहाँ खिलाते हैं चिड़ियों को रोटी। देखिए सीढ़ी घर है ना, इसी के ऊपर डाल देते हैं। चिड़िया के खाती है, लोग ना ढबर ढबर सुनाई देता है, ज्योति को बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए रोटी को डाल देते हैं ऊपर तोड़ के। ये दोस्तों इतना तोड़ लिए हैं रोटी, अभी इसको ऊपर फेंक गया। अभी चिड़िया आएंगी कुछ देर में और खाएंगे। नीचे सुनाई देता है ढबर 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 ढबर। यहाँ पे टीन है ना, तो टीन पे जब कूदती है चिड़िया खाने के लिए तो नीचे आवाज सुनाई देता है। तो मैं यहाँ पे अभी सुबह सुबह खा रहा हूँ फ्रूट। आज फ्रूट खाने का मन किया तो अपने दुकान से ले आके फ्रूट खा रहे हैं। और ज्योति भी नहा धोवा के आ गई। और दोस्तों आज देखिए अभी हम तो कितना अच्छा प्यारा साफ कर दिया तो लग रहा है। ये बिस्तर काफी प्यारा लग रहा है, पूरा घर मतलब सुंदर लगता है। जो भी सामान रहता है ना, सभी सामान को अपने अपने जगह पे रख दिया जाए तो क्या ज्योति करे रोज तू ना करू तो हम करें। हम तो निकल जाते हैं मंडी दोस्तों। सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है, परी को स्कूल छोड़ना, मंडी जाना, फिर अपना दुकान लेके जाना। अभी मैं रेडी हो गया दुकान लेके जाने के लिए। और यहाँ पे ज्योति बोली कि थोड़ा सा पानी बोल रहे हैं, थोड़ा सा कपड़ा पहुँचा दीजिए छत पे धूप में डालने के लिए। तो चलिए जी आ गए अभी हम लोग छत पे। लो और गाइज अभी हम जा रहे हैं दुकान लेके और अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आशा करते हैं कि हमारा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों।